तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर फॉर सपोज आपके डॉक्यूमेंट्स में फादर का नेम या मदर का नेम मिस्टेक है, उस केस में आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में क्या प्रॉब्लम आने वाली है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि आपके आधार कार्ड में कुछ डिफरेंट नेम है आपके पेरेंट्स का, एंड हो सकता है मार्कशीट में आपके पेरेंट्स का कुछ डिफरेंट नेम हो, तो ऑब्वियस सी बात है वो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। तो अगर किसी का भी नाम मिसमैच कर रहा है आपके डॉक्यूमेंट्स में, वो चाहे हाई स्कूल की मार्कशीट हो, ट्वेल्थ की हो, या फिर ग्रेजुएशन का हो, या फिर आपका आधार कार्ड हो, किसी में भी अगर मिसमैच हो रहा है आपके किसी भी तरीके डॉक्यूमेंट्स में, तो आपको दो काम करने हैं जो कि मेन हैं। पहले तो कोशिश करो कि वही करेक्ट हो जाए। ऐसा नहीं है कि आप दोबारा से करेक्शन नहीं करवा सकते, आप मार्कशीट में, आधार कार्ड में, हर जगह आप करेक्शन करवा सकते हो। जो भी आपका बोर्ड होगा, जो मेन यूनिवर्सिटी बोर्ड होगा, आप वहां से जाके करवा सकते हो। अगर आपकी ग्रेजुएशन में है तो ग्रेजुएशन बोर्ड आपको जाना पड़ेगा, वहां से आप करेक्ट करवा सकते हो। अगर इन केस करेक्ट नहीं होते हैं तो दूसरे केस में क्या होता है कि आपको दो चीज़ें वहां पे अप्लाई करनी है अपने आप पे, ताकि आपके बीजीबी में प्रॉब्लम ना हो। तो पहला क्या होता है कि आपको एक न्यूज़पेपर पे एक आर्टिकल लिखवाना है, जस्ट छोटा सा जो आर्टिकल आपने बहुत सारे देखे होंगे ना न्यूज़पेपर में, आर्टिकल्स आते हैं इतनी जॉब्स है यहाँ पे, इतनी जॉब्स है यहाँ पे, कॉल सेंटर में जॉब करने के लिए यहाँ कनेक्ट करें। तो बेसिकली फंडा क्या है कि आपको न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल निकलवाना है, और उस आर्टिकल में ये लिखवाना है कि करेक्ट नेम ये है एंड मिसमैच मेरे इस डॉक्यूमेंट्स में है। तो जो भी आपको प्रॉब्लम है, बेसिकली जिस भी डॉक्यूमेंट से मिसमैच है, तो वो आपको एक न्यूज़पेपर में निकलवाना है। बहुत सारे न्यूज़पेपर आप अपने लोकल भी किसी भी न्यूज एंकर से कनेक्ट कर सकते हो और वो निकलवा सकते हो। दूसरा जो केस होता है, उस केस में आपको एक एफिडेविट बनवाना है। एफिडेविट आपके नियर बाई तहसील से बनेगा, आपके लोकल तहसील से आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा कि आपका करेक्शन है, ये डिफरेंट नेम हो गया है। ये आपको एक एफिडेविट बनवा के दोनों चीज़ें रखनी पड़ेंगी, न्यूज़पेपर एंड एफिडेविट। देन वो फिर आपको वो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाली कंपनी को हैंड ओवर करना है दोनों चीज़ें। और जो न्यूज़पेपर की कटिंग होगी वो हमेशा आपको अपने पास रखनी है, आपने किस डेट को डाला था, क्या मंथ था, क्या ईयर था, ये सारी डिटेल आपके पास उस न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, 99% के केस में प्रॉब्लम नहीं होगी, बट 1% मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आफ्टर ऑल वो प्राइवेट सेक्टर हैं, कल को क्या करने वाले हैं कोई भरोसा नहीं होता उनका। तो 99% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व यहाँ से हो जाएगी। अगर इनकेस आप करेक्शन करवा सकते हो तो मच बेटर होता है, आप करेक्ट करवा लो। तो बाकी इसके अलावा भी अगर आपका कोई कमेंट या क्वेरी है, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर आप मेरे से 1-to-1 कांटेक्ट करना चाहते हो, व्हाट्सएप पे बात करना चाहते हो, स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा होगा, वहाँ से मेरे साथ कॉल पे कनेक्ट कर सकते हो। वहाँ मेरा चार्जेबल कॉल होता है एज ए कंसल्टेंट। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।